तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में फर्स्ट T20I मैच खेला जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यहाँ पर इंग्लैंड का फर्स्ट ODI मैच हमने लगातार यहाँ पर क्या किया, बहुत ही अल्ट्रा क्लीनशिप किया। सारे मिनी ग्रैंड लीग यहाँ पर फोर मेंबर जो भी होते हैं आपके सारे के सारे यहाँ पर क्लीनशिप किए। अगर ये भी मैच आपके लिए वैसा ही है तो इस मैच में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा कि यही मैच आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखो न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया के मैच में अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर पता चलने वाली है, जैसे कि स्मॉल लीग की सबसे डिफरेंशियल पिक्स, ग्रैंड लीग के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाले वो सारी की सारी एकदम आपको चीजें मिलने वाली। तो दोस्तों बने रहिएगा, जो ये मैच खेला जाएगा 18 नवंबर 12 बजे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूंगा तो हेड टू हेड में देखो पिछले 3 सालों में 9 मैचेस खेले हैं इंडिया ने, 6 एक मैच यहां पर न्यूजीलैंड और 2 मैच रिजल्ट नहीं आया है। पिच रिपोर्ट की बात करूंगा तो पिच रिपोर्ट में देखिए स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में ये ग्राउंड है, तो इस पिच के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि देखिए इस पिच को थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया गया मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज ओवरऑल अ गुड बैटिंग ट्रैक, ओके, अमाउंट ऑफ बॉल्स व्हिच विल बी द इनकरेज द बैटर्स टू प्ले देयर शॉट्स विद द फास्टर आउटफील्ड द बैटर्स विल गेट रिवॉर्ड्स फॉर देयर गुड शॉट विनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना फास्ट यहां पर आउटफील्ड है। इट हैज बीन सीन दैट ट्रैक हैज बीन ड्रायर साइड द स्पिनर्स प्ले अ रोल हियर। देखिए आपके अब ये जो आपने मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, अभी पिच रिपोर्ट, तो उससे आपके क्या होते हैं ना पता है आपको कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में आपके 4 या 5 प्लेयर्स ऐसे फिक्स होता है, मतलब कि आप देखिए यहाँ पर गुड बैटिंग ट्रैक है, ओके, यहाँ पर जो फास्टर आउटफील्ड है मतलब कि जो पावर प्ले में थोड़ा सा भी अच्छा टाइमिंग करेगा उसको बहुत ज़्यादा रन्स मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रख लिया। तो आपके ओपनर्स आपके दोनों टीम्स के ज़्यादा ज़्यादा आपके टीम में होने चाहिए, प्लस यहाँ पर क्या है स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल्स बच जाता है, तो दोनों टीम्स के आपको लगभग आप दो दो यहाँ से दो स्पिनर्स लीजिएगा वहाँ से दो स्पिनर लीजिएगा, मतलब कि 6-7 प्लेयर आपके फिक्स होते हैं। अब देखिए T20 स्टैटिस्टिक्स इस ग्राउंड पर कैसा रिकॉर्ड है, टोटल 15 मैचेस के बैटिंग फर्स्ट 7 बैटिंग सेकंड 8 करके 162, मतलब कि बहुत अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए, ठीक है। न्यूजीलैंड ने यहां पर हाई स्कोर बनाया था, पाकिस्तान ने लोवेस्ट स्कोर। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करूंगा तो 150 के नीचे 9 है, 150 से 169 के बीच में 4, 170 से 190 के बीच में 1 और 190 के आगे यहां पर 4 बार यहां पर स्कोर हो चुका है, मतलब कि दोस्तों ये जो ग्राउंड है बहुत ज्यादा यहां पर क्या है हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूंगा, पहले तो इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में अब देखिए शुभमन गिल फिक्स ओपनर रहेंगे, ठीक है, शुभमन गिल ओपनर फिक्स रहेंगे, लेकिन उसके यहां पर जगह पर ईशान किशन आएंगे या फिर इंडियन टीम जो कि एक ऋषभ पंत के साथ यहां पर जा सकती है। अगर ऋषभ पंत आते हैं दोस्तों सबसे बड़ा पिक रहेगा, लेकिन ईशान किशन अगर खेलते हैं दोस्तों तो आपके लिए अच्छा पिक क्यों नहीं है। फर्स्ट तो देखिए 2 मैचेस में 33 रन बनाए, सिर्फ 16 का ही एवरेज है, हमेशा यहां पर ईशान किशन जब भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते बहुत खराब प्रदर्शन है, इसलिए ईशान थोड़ा सा बोल रहा हूं कि मैं यहां पर अच्छा पिक नहीं है। और दोस्तों 2 मैचेस खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों मैचेस में एक ही प्लेयर ने आउट किया है, वो है ट्रेंट बोल्ट। हालांकि इस सीरीज में आपको ट्रेंट बोल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर टीम साउथी और लॉकी फर्ग्यूसन यहां पर दिख सकते हैं हमें, जो कि यहां पर ईशान किशन उनके चलते यहां पर आउट हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूं कि ईशान किशन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है, ठीक है, ध्यान में रखना बैटिंग सेक्शन से। अब शुभमन गिल की बात करूंगा तो शुभमन गिल फर्स्ट यहां पर पहली बार खेल रहे हैं यहां पर हेड टू हेड बैट, मतलब इस वेन्यू पे भी और इस टीम के खिलाफ भी, लेकिन शुभमन गिल एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल प्लेयर है, जैसा कि पिच रिपोर्ट में बताया था थोड़ा भी अगर टाइमिंग प्लेयर होगा तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा रन्स मिलेंगे, तो शुभमन गिल एक टेक्निकल प्लेयर है तो यहां पर इसको बहुत ज्यादा यहां पर क्या मिलेंगे आज रन्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे बेहतरीन पिक रहेगा, ठीक है, स्मॉल लीग में आपको इसको टीम में रख लेना है, लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि स्मॉल लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा है लेकिन स्मॉल लीग में क्यों नहीं बोलता हूं, देखिए सामने यहां पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि यहां पर आज के मैचेस में इस मैच में ज्यादा से ज्यादा स्विंग मिल सकता है, तो यहां पर टीम साउथी जो है और एडम मिल एक बॉलर है यहां पर न्यूजीलैंड का जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे स्विंग करता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको टीम में रख लेना, ठीक है, ईशान किशन को ड्रॉप कर सकते हो आप स्मॉल लीग में, लेकिन शुभमन गिल को बिल्कुल भी मत करना। अब श्रेयस अय्यर की बात करूंगा तो श्रेयस अय्यर ही वन डाउन आएंगे, ठीक है, विराट रोहित वो कोई भी नहीं है, कैप्टन यहां पर हार्दिक पांड्या रहेंगे। अब सूर्य अगर आपको दिमाग में यह लग रहा है कि यहां पर सूर्य ऊपर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इंडिया जो है 4 नंबर की पोजीशन फिक्स कर चुकी है वो है सूर्य कुमार यादव, तो वन डाउन ज्यादा से ज्यादा चांसेस से यहां पर श्रेयस अय्यर ही आने, और श्रेयस अगर आज इस मैच में खेलते तो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 11 मैचेस में 212 रन, 30 का एवरेज है इस प्लेयर का, इस वेन्यू पे 14 यहां पर एक ही रन बना पाए, लेकिन दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा यहां पर पंत पिक हो सकता है, डिफरेंशियल पिक्स, ठीक है, बहुत लोग इनको कम ट्राई करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा आप इनको यहां पर स्मॉल लीग्स में यहां पर जरूर ट्राई कर लेना,
सिर्फ यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग का भी कैप्टन वाइस कैप्टन प्लेयर नहीं है, सिर्फ टीम में रख लेना है आपको, ठीक है। सूर्या की बात करूँगा तो सूर्या ये आपके लिए इस टीम का सबसे यहाँ पर बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेगा, अगर टीम पहले बैटिंग करो या फिर सेकंड बैटिंग करो, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले इनिंग में 38, सेकंड इनिंग में 48 का एवरेज होता है इस प्लेयर का, और इस ग्राउंड पर ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा कि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं सूर्या, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कोर देखने को मिल सकता है, प्लस 21 का एवरेज है टीम के खिलाफ। तो सूर्या ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो यहाँ पर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन पिक रहेगा। हार्दिक पांड्या इस टीम से इंडियन टीम से सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच का यहाँ पर हार्दिक पांड्या रहेंगे, ठीक है। अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर तो ये सबसे बेहतरीन रहेगा, ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि यही यहाँ पर आज के मतलब कि मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ड्रीम टीम के कैप्टन यही रहने वाले, ठीक है, अगर टीम पहले बैटिंग करती है। अगर सेकंड बैटिंग करती है तो थोड़ा सा कम चांसेस है, ठीक है, तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बैटिंग सेक्शन से जाना, जैसे कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव या फिर यहाँ पर शुभमन गिल के यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है, जगह पर। इस टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, 10 का ही एवरेज है, ठीक है। इस टीम के खिलाफ 4 विकेट लिए है, इस वेन्यू पे सिर्फ 4 ही रन बना पाए, एक ही पारी खेली है, लेकिन इस वेन्यू पे इन्होंने 2 विकेट भी लिए, ठीक है, ध्यान में रख लिया, तो बहुत अच्छा पिक है ये। ऋषभ पंत की बात करूंगा तो ऋषभ पंत अगर ओपनर आते तो सबसे बढ़िया पिक, अगर नीचे आते हो तो इतना अच्छा पिक नहीं रहेंगे, ठीक है। दीपक हुड्डा यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं हमें इस मैच में, अगर दीपक हुड्डा खेलते सिर्फ ग्रैंड लीग प्लेयर रहेगा, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और अर्षदीप और यूजी, इन चारों में से आपको यहाँ पर कौन से प्लेयर्स लेने, मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल लीग में आपको यहाँ पर क्या कर लेना है दोस्तों कि अर्षदीप सिंह और यहाँ पर आपको युजवेंद्र चहल और एक प्लेयर यहाँ पर अगर आता है, ठीक है, कौन सा प्लेयर, वॉशिंगटन सुंदर, अगर ये प्लेयर आता है, ठीक है, दीपक हुड्डा की जगह पर, तो उसको ले लेना है। अगर दीपक हुड्डा यहाँ पर खेलते तो दीपक हुड्डा आपको ग्रैंड लीग में भी ट्राई नहीं करना है और स्मॉल लीग में भी बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ठीक है। अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो सबसे बेस्ट पिक, मतलब कि इंडियन टीम से 3 बॉलर रहेंगे यहाँ पर, पहला यहाँ पर रहेंगे युजवेंद्र चहल क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, प्लस यहाँ पर अर्षदीप सिंह बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, प्लस स्विंग मिलेगा, तो ये दूसरा, और जो तीसरा पिक रहेगा अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो वो रहेंगे, या फिर आपको क्या कर लेना है यहाँ पर हर्षल पटेल के साथ जाना है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो ध्यान में रखना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मिडिल ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स मिलेंगे वो है यूजी, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है यूजी और यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को, ठीक है, अगर खेलते। अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते तो यूजी चहल और यहाँ पर हर्षल पटेल को विकेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब वही बात करूंगा यहाँ पर प्रोबेबल प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की, तो फिन एलन और डेविन कॉर्ने यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिन एलन एक आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकता है हमेशा इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट जो भी ऐसा एक अटैकिंग प्लेयर खेलता है, चाहे वो क्रिस ग्रीन हो, फिन एलन हो, ऐसे अगर प्लेयर आते हैं एक डिफरेंशियल पिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क जा रहे हो तो इसको कैप्टन भी बना सकते हो दोस्तों, हाँ, स्मॉल लीग में इसको कैप्टन भी बना सकते हो। ऑफकोर्स ये ग्रैंड लीग का तो बेस्ट पिक है, ठीक है, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है क्योंकि अब इसको एक्सपीरियंस आ गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरे के पूरे मैचेस खेले तो इस प्लेयर को एक्सपीरियंस आ गया है कैसे मैचेस खेलना है, ठीक है। तो ये प्लेयर बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिफरेंशियल पिक साबित हो सकता है, सबसे बेस्ट पिक, ठीक है, इस मैच का बोल रहा हूँ, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो सेकंड बैटिंग हो, तो वहां पर डेविन कॉनवे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे मैंने ऊपर बताया था कि हार्दिक पांड्या सबसे मैच के सबसे बेहतरीन है तब भी वो अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, लेकिन सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वो डेविन कॉनवे रहेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन इस मैच में यहाँ पर 60-70 भी रन दिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इंडिया के खिलाफ इन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला है, 2 रन बनाए, इस वेन्यू पे 30 का एवरेज है इस प्लेयर का, ठीक है। अब देखिए केन विलियमसन की बात करूं तो केन विलियमसन को आपको टीम में रख लेना है, क्योंकि देखिए मिडिल ओवर्स में ये दोनों यहाँ पर डेविन कॉनवे और यहाँ पर वेन विलियमसन बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। अगर आपके लिए रिस्की पिक रहेंगे तो वो है ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि उनके सामने होंगे यहाँ पर यूजी चहल और यहाँ पर आपके वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर बन जाते हैं मिडिल ऑर्डर्स के सारे प्लेयर्स, डैरे मिचेल हो, वो सारे सारे प्लेयर्स आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की दिखेंगे, ठीक है। डैरेन मिचेल, ग्लेन फिलिप्स का टीम के खिलाफ सिर्फ 11 का एवरेज है, इंडियन टीम के खिलाफ बहुत खराब है। डैरेन मिचेल का यहाँ पर सिर्फ 14 का एवरेज है, तो बहुत ही खराब है ये भी। जेम्स निशम की बात करूँगा तो जेम्स निशम तो और भी खराब है, और ऊपर से बॉलिंग भी नहीं करता दोस्तों, तो बहुत ही मतलब कि रिस्की पिक रहेगा ये, सिर्फ आपको ग्रैंड लीग्स में इनको ट्राई कर लेना है। इस टीम से सबसे बेस्ट है, और इस टीम का यहाँ पर डेविन कॉनवे के बाद यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेगा यहाँ पर आपके मिचेल सैंटनर, क्योंकि ये देखिए हमेशा यहाँ पर इंडियन के ज्यादा ज्यादा राइट हैंडर बैट्समैन है, तो वहां पर इनके विकेट्स लेने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, और स्मॉल लीग में ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी चॉइस है,
ठीक है, ध्यान में रखना टीम इंडिया के खिलाफ इनका जो रिकॉर्ड रहता है 16 मैचेस में 16 विकेट है, इस वेन्यू पे 8 मैचेस में 11 विकेट है। ठीक है, अब टीम साउथ ही इस सोडी और यहाँ पर आपके लॉकी फर्ग्यूसन। देखिए लॉकी फर्ग्यूसन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ट्रेंड बोल्ट नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर डेथ में जो बॉलिंग करेगा वो है लॉकी फर्ग्यूसन, तो वहाँ पर विकेट लेने के ज़्यादा चांसेस है आपको, तो यहाँ पर टीम साउथ ही रखना ही रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना। और आपको मिचेल सैंटनर और इस सोडी में यहाँ पर सैंटनर ही बेस्ट चॉइस है, इस सोडी सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना है। अगर ग्रैंड लीग में इनको आप टीम में रख ले हो, इस सोडी को मिचेल सैंटनर को, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक को ही विकेट मिलेंगे और यहाँ पर गुच्छे में विकेट मिलेंगे, मतलब 2-3 विकेट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए एडम मिल इतना अच्छा चॉइस नहीं है। अब बात करूंगा स्मॉल लीग की टीम की, तो स्मॉल लीग की टीम में देखिए जैसा कि मैंने बोला कैप्टन मेरे यहाँ पर डेविन कॉनवे रहेंगे और वाइस कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या बेस्ट है। ठीक है, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं यहाँ पर रिवर्स करूंगा, मतलब कि मेरे जो कैप्टन रहेंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या रहेंगे और वाइस कैप्टन जो रहेंगे मेरे डेविन कॉनवे दोस्तों रहेंगे। ठीक है, बाकी तो देखो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई चेंजेस हो सकता है। अगर यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते तो हर्षल पटेल के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कोई चेंजेस है यहाँ पर। यहाँ से अगर आपको शुभमन गिल की जगह पर दूसरा प्लेयर्स लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स या दूसरा प्लेयर। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं लग रहे मुझे दोस्तों। अगर आपको मेरी टीम चाहिए, जो भी न्यू यूज़र आए, तो प्लीज़ एक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके जुड़े रहना। ठीक है, वहाँ पर आपको बेस्ट स्मॉल लीग की टीम मिलेगी। पिछला मैच हमने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, तो ये भी मैच मुझे लग रहा है ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन टॉस के बाद पता चल जाएगा कि ये मैच हाई इन्वेस्टमेंट है या फिर लो, मतलब कि यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट खेले। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों एंड तक यहाँ पर वीडियो देखने के लिए।